हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आप देख सकते हैं अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बेतिया। ऐसे ही मतलब छोटा मोटा मार्केट भी मुझे करना रहता है ना, तो मैं वहीं पे चली जाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पास है इसी वजह से। और अभी जस्ट मैं निकली हूँ, लाइक शाम हो गया था, आई डोंट नो टाइम तो नहीं पता, बट फिर भी 3 बज रहा होगा या 4 बज रहा होगा, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। और अभी हम लोग की ट्रेन है, मतलब अभी ट्रेन थी, शाम वाला ट्रेन हम लोग पकड़े थे क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है और धूप में निकलने का मन नहीं करता था। और सुबह बारिश भी हुआ था लेकिन अचानक से धूप भी निकल गया, आप देख सकते हैं। सो एज यू कैन सी हम लोग स्टेशन पहुँचने वाले हैं और मेरा जो रूम है स्टेशन के पास ही है इसी वजह से। और हम लोग स्टेशन पहुँच गए, आप देख सकते हैं ये एक्चुअली शॉर्टकट रास्ता है और रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए। और रूम भी पास में है इसी वजह से, आप देख सकते हैं यह है स्टेशन। और बारिश भी हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे थोड़ा सा पानी है। और ये भी हम लोग ऊपर से नहीं जाते, नीचे से जाते हैं, अच्छा नहीं है बट फिर भी हम लोग चले जाते हैं शॉर्टकट। तो हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है इसलिए ना मैं थोड़ा सा साइड ही में खड़ी हुई हूँ, इधर नहीं गई, बहुत ही ज़्यादा धूप था। सो हमारा ट्रेन स्टार्ट हो गया, मतलब हम लोग निकल गए हैं और आप देख सकते हैं हल्का हल्का स्टार्ट हो गया। और मुझे ना विंडो साइड बैठना बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं हमेशा साइड में बैठती हूँ और इस तरीके से व्यू देखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो एज यू कैन सी हम लोग आधा रास्ता क्रॉस किए हैं और थोड़ा सा और बाकी है। अप्रॉक्स 4 बजे हम लोग चले थे वहाँ से और 4:30 में आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। वेदर थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा धूप निकल रहा है, थोड़ा सा बारिश जैसा कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, बट इट्स ओके। और इधर बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ था और इधर ही 1-2 दिन पहले बारिश हुआ था, आप देख सकते हैं इधर का, इधर जो धान वगैरह है ना उसमें अभी पानी आया, मतलब बहुत पहले बारिश हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ था, बट इट्स ओके, थोड़ा सा लेट हुआ। और आप देख सकते हैं सारे लोग खेत में काम कर रहे हैं और सारे जगह, मतलब जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक, जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक सिर्फ धान है, धान राइस जिसको बोलते हैं। ज़्यादा बारिश नहीं हुआ देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा है पानी खेत में, बहुत ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि चावल जो होता है उसको थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो बस थोड़ा सा ही बारिश हुआ, देख सकते हैं सारा सूखा हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा आपको पानी दिखेगा कहीं कहीं, और भी ज़्यादा होना चाहिए बट अभी हुआ नहीं है। सो आई होप, लेट्स सी क्या होता है। और हम लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे, थोड़ा टाइम और। सो एज यू कैन सी हम लोग पहुंच गए, मतलब ट्रेन अभी रुकेगी। और आज का क्या होता है शेयर विथ यू, क्योंकि बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, बट जो भी होता है मैं बताऊँगी क्योंकि दिस इज़ अनप्लान, जो भी होता है आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या होता है। ये वाला अच्छे से धो के इसको भी धो दीजिए। यार नॉट वॉश माय हैंड्स, बस हो गया। तो पहले मुझे ये सब दिखा नारियल वगैरह, तो मैं नारियल खा रही हूँ और पाइनएप्पल भी, क्योंकि पाइनएप्पल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें नमक डाल के भी मैं खाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खा लेती हूँ। और काफ़ी मीठा था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो बहुत अच्छा मीठा भी है। तो अच्छा सिर्फ इधर खड़ा हुआ, फिर हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी, हम लोग खा लेते हैं। ऐसे तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते नहीं हैं लेकिन कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं, और एक बार इसके हम लोग खाए थे तो अच्छा खिलाया था, तो इसलिए हम लोग फिर से इसी के यहाँ खा रहे हैं। और ज़्यादा हम लोग यहाँ जानते नहीं है ना, बहुत कम ही आते हैं इसी वजह से, तो ये अच्छा खिलाता है तो यहीं पर खा रहे हम लोग गोलगप्पा। गोलगप्पा खा के थोड़ा सा हम लोग आगे निकले तो हम लोग को मिला ये जलेबी गरम गरम, तो हम लोग थोड़ा सा जलेबी खाएँ, ज़्यादा नहीं। और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा चूड़ी का दुकान में क्योंकि वहाँ से कुछ कुछ सामान लेना है। बगल में ही है लाइक स्टेशन में जो मार्केट आता है उसी में आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएगा, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर है ये। और बहुत सारा राखी भी आ गया था तो मैं राखी भी ले रही हूँ क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है इसीलिए,
और काफ़ी सारा मतलब सामान यहाँ पे मिलता है जो भी होता है वो सब। और मैं ये चूड़ी सेलेक्ट की थी ग्रीन कलर का, काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। तो ये पीस दे दीजिए। कौन सा है, कावेरी है ना, एक पीस दे दीजिए। और रबर बैंड है क्या आपके पास? फिर सारा सामान लेने के बाद हम लोग रास्ते में हम लोग को दिखाई ये मोमो, हम लोग एक और बार खाए थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिलाता है। पहले लेडीज़ थी यहाँ पे और आज जेंट्स है, दोनों इसी की कोई फैमिली मेम्बर्स का होगा। बहुत ज़्यादा गर्म है। सो हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन, आप देख सकते हैं बस हम लोग की ट्रेन रुकने ही वाली है, बस थोड़ा धीरे धीरे चल रही है और बस रुकेगी तो फिर हम लोग उतर जाएंगे। और आप देख सकते हैं बहुत खाली खाली सा है स्टेशन, क्योंकि रात में जिधर जाना रहता है वहीं लोग रहते हैं, ज़्यादा पैसेंजर तो रहता नहीं है, लोकल पैसेंजर। तो बस और हम लोग आ ही गए हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी हम लोग पहुंच चुके हैं नरकटियागंज और अभी टाइम हो रहा है लाइक 8:30 हो रहा है। और हम लोग का वहां से कितने बजे ट्रेन था, जो भी था एक घंटे में हम लोग पहुंच गए। और आज कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुआ, आज बस हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाए, तो दैट्स ऑल। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर ऑब्वियसली।